हाय गाइस, मैं हूं अमित सिंह और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल डाउट्स एंड में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि वूकॉमर्स में शिपिंग सेटिंग कैसे करते हैं। जैसे कि आप दिल्ली NCR में कोई प्रोडक्ट सेल करते हो और वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हो और वही प्रोडक्ट आप चाहते हो अदर लोकेशन पर सेंड करना या डिलीवर करना और उसके चार्जेस आपसे चाहिए, आपको चाहिए, तो उसके चार्जेस हम किस तरह से लेंगे, तो वो मैं आज इस वीडियो के जरिए आपको बताऊँगा वूकॉमर्स की सेटिंग। तो चलिए चलते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन की तरफ। तो गाइस, अब हम आ चुके हैं अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन की तरफ। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि वूकॉमर्स शिपिंग सेटिंग कैसे करते हैं। जैसे कि हम दिल्ली के अंदर अपना जो प्रोडक्ट है, हमारा जो प्रोडक्ट है वो हम दिल्ली के अंदर फ्री शिपिंग कर रहे हैं, कोई चार्जेस नहीं ले रहे हैं शिपिंग के। और उसके अलावा हमें महाराष्ट्र हो गया, दूसरी साइड होगी और सॉरी दूसरी लोकेशन होगी, वहाँ पर करेंगे तो उसके हम चार्जेस लेंगे। देखिए, ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है। इसके अंदर अब ये देखिए यहाँ पर माय पर्सनल सेफ्टी किट है और यहाँ पर हमने कोई शिपिंग चार्जेस नहीं है हमारे, इस तरफ एक भी कोई भी शिपिंग चार्जेस नहीं है, हमें यही ऐड करने हैं शिपिंग चार्जेस। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए पहले हम चलते हैं अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड की तरफ। ये हम आ गए हैं अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड की तरफ। अब इसके बाद हमें जाना है वूकॉमर्स में। वूकॉमर्स में आएंगे और उसके बाद सेटिंग पे क्लिक कर देंगे। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद हमें जाना है शिपिंग पे। शिपिंग पे क्लिक करेंगे हम लोग। अब शिपिंग पे क्लिक करने के बाद ऐड शिपिंग जोन यहाँ पर नीचे क्लिक कर दीजिए, आप चाहे ऊपर क्लिक कर दीजिए ऐड शिपिंग जोन, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ हमें पहले देना है दिल्ली के अंदर फ्री शिपिंग करनी है, दिल्ली NCR, ठीक है, NCR यहाँ पर कर देना है हमें। जोन सेलेक्ट करना है अपना दिल्ली इंडिया, ठीक है, दिल्ली इंडिया सेलेक्ट करा हमने। और यहाँ पर अब हमें सेव चेंज कर देना है। इतना होने के बाद आप लोगों को ऐड शिपिंग मेथड पे आना है। एड शिपिंग मेथड पे आने के बाद हमें दिल्ली NCR में देना है फ्री, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे फ्लैट रेट पे और यहाँ पर फ्री शिपिंग पे आएंगे और इस पर क्लिक करेंगे और ऐड टू शिपिंग मेथड, ठीक है, ऐड टू शिपिंग मेथड हो गया। इसके बाद अब ये हमारा हो चुका है, ठीक है। अब इसको आपका प्रूफ, आपको इसका प्रूफ दिखा दूँ। ये देखिए, ये अब आए हम अपने चेकआउट पेज पर दोबारा से, दोबारा प्रोडक्ट पहले चलते हैं अपनी वेबसाइट पे, सॉरी चेकआउट पेज पे चलते हैं या चेकआउट करते हैं। चेकआउट करने के बाद यहाँ पर हम करेंगे अपना दिल्ली है, यहाँ पर टाउन मैंने डाल रखा है अपना दिल्ली डाल देता हूँ। अब यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे हम दिल्ली, ये देखिए आ गए हैं पर फ्री शिपिंग। अभी इसके बाद हमें चाहिए चार्जेस लेने हैं हमें दूसरे बंदों से। अब जैसे कि हमें डिलीवरी करनी है अपनी प्रोडक्ट की महाराष्ट्र में, तो वापस हम अपने डैशबोर्ड की तरफ चलते हैं। डैशबोर्ड पे वापस आ गए हम लोग, वापस ऊपर चलेंगे, यहाँ पर करेंगे शिपिंग जोन, ठीक है। शिपिंग जोन पर दोबारा क्लिक कर देंगे हम लोग। शिपिंग जोन पर क्लिक करने के बाद ऐड शिपिंग जोन पे आना है दोबारा से। ऐड शिपिंग जोन पे आ गए आप लोग, ठीक है। जो भी लोकेशन लेनी है, मैं जैसे महाराष्ट्र की लूँगा, ठीक है, ये महाराष्ट्र है, ठीक है। इतना कॉन्टैक्ट करेगा, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर हमने लिख दिया महाराष्ट्र, ठीक है। अब इसके बाद हमें नीचे वाला भी भरना है, नीचे वाले भी चलते हैं और यहाँ भी लिख देंगे हम महाराष्ट्र इंडिया लिख के और इसे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद वही करना है हमें, नीचे सेव एंड चेंजेस पे क्लिक कर देना है, हो गया। अब इसके बाद आना है हमें ऐड शिपिंग मेथड। पिछली बार हमने फ्लैट रेट पे हमने क्लिक करके फ्री शिपिंग कर दिया था, लेकिन अब नहीं करना है, अब इसको फ्लैट रेट पे ही रहने देना है और उसको ऐड शिपिंग मेथड पे करना है, ठीक है। अब एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब ये कर देंगे आप तो उसके बाद आपको आना है एडिट पे। एडिट पे आने के बाद ये आपकी होगी कॉस्ट। आप इसके अंदर आपको टाइप करना है, वो चीज़ ध्यान रखिएगा हमेशा,
पहली चीज़, जितना आपको अमाउंट लेना है उस लोकेशन से वो डालनी है फर्स्ट ऑफ ऑल। जैसे कि अब हम ले रहे हैं यहाँ से 250 रुपये, और उसके बाद आपको देना है स्पेस, और फिर दबाना है आपको स्टार, फिर स्पेस देना है, फिर ये कॉलन बनाना है, फिर इसके अंदर लिखना है QTY, वो मेरे नीचे भी आ रहा है आप देख रहे हैं, ठीक है, ये लिख के और दोबारा ब्रैकेट बंद कर देना है, इसको कर देना है सेफ एंड चेंज, ठीक है। ये हमारा महाराष्ट्र भी हो गया। अब चलिए एग्जांपल देखते हैं कि ये हुआ या नहीं हुआ। दोबारा चलते हैं हम अपने उसी पे चेकआउट पेज की तरफ। ये अब आ गए हम अपने चेकआउट पेज पे, ठीक है। तो चेकआउट पेज पे आए हम, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे हम, सॉरी पहले टाउन डालेंगे हम महाराष्ट्र, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र करा। ये देखिए 500 रुपये डाल देते हमने, ओके ओके ओके, 250 रुपये मैंने पहले के भी डाल रखे हैं, दो हो गए हैं यहाँ पर, फ्लैट रेट 500 रुपये आ गया आपका, ठीक है, एक मैंने पहले भी डाल रखा है, सॉरी, तो 500 रुपये आपका फ्लैट रेट हो गया। इस तरह से आप एवरी लोकेशन, एवरी मतलब हर लोकेशन, हर सिटी, जिस सिटी से आप जितना अमाउंट लेना चाहते हैं शिपिंग का, जितना लगता है आपका, आप उतना ले सकते हैं, ठीक है। आपको अगर इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो गाइस प्लीज़ हमें सपोर्ट करना ना भूलें। थैंक यू।